हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अर्नब कुमार चक्रवर्ती। आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकता है। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह क्लिप देखिए। हमारे देश में भी ऐसे कई महान लोग हैं जो कि अपने आप को फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का हीरो समझते हैं और कुछ ऐसे रोड साइन को इग्नोर कर देते हैं जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हम भी इन रोड साइन को रोज देखते हैं पर इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये रोड साइन हमारी ही सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि ये रोड साइन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं और इन रोड साइन का क्या मतलब होता है। हमने देखा है कि रोड में व्हाइट कलर के लाइंस बने होते हैं और कई रोड्स में येलो कलर के भी लाइंस बने होते हैं। ये लाइंस जनरली 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रोकन व्हाइट लाइन, जिसका मतलब होता है कि आप अपनी लेन दूसरे लेन में चेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है सॉलिड व्हाइट लाइन, जिसको बैरियर लाइन भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि आप अपना लेन चेंज नहीं कर सकते, आपको अपने ही लेन में रहना पड़ेगा। तीसरा होता है ब्रोकन येलो लाइन, जिसका मतलब होता है कि आप सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं, ओवरटेक उसमें अलाउड होता है। चौथा होता है सॉलिड येलो लाइन, जिसका मतलब होता है कि आप सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं पर आप पूरी तरह उस येलो लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा येलो लाइन के अंदर ही रहना पड़ेगा। पांचवा होता है डबल सॉलिड येलो लाइन, जिसका मतलब होता है कि आप उस लेन में ओवरटेक कर ही नहीं सकते, ओवरटेक उसमें अलाउड नहीं होता है। और लास्ट होता है सॉलिड येलो लाइन विथ ब्रोकन येलो लाइन, जिसका मतलब होता है अगर आप ब्रोकन येलो लाइन वाली लेन में चल रहे हैं तो आप गाड़ियों को ओवरटेक कर सकते हैं, मगर आप सॉलिड येलो लाइन वाले लेन में चल रहे हैं तो आप गाड़ियों को ओवरटेक नहीं कर सकते। आपने अगर पहले वाले क्लिप को ध्यान से देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उस क्लिप में जो रोड थी उसमें सॉलिड व्हाइट लाइंस बने हुए थे, जिसका मतलब होता है कि आप अपना लेन चेंज नहीं कर सकते, पर पीछे से आने वाली गाड़ी ने अपना लेन चेंज किया और सामने वाली गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। आप प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली वालों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी आगे से ऐसी गलती ना करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू।